अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज के हमारे वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है रतन टाटा स्पीच इन हिंदी, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. मैं हिंदी में भाषण नहीं दे सकता, इसलिए अंग्रेजी में बोलूँगा। लेकिन कुछ देर अंग्रेजी में बोलने के बाद देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा खुद को रोक ना सके और टूटी फूटी हिंदी में ही अपनी बात कहने लगे। I should just say that today Assam ka bahut important din hai. जगह थी असम का डिब्रूगढ़ और मौका था कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन का। इन अस्पतालों को बनाने में सरकार के साथ टाटा समूह की भी हिस्सेदारी है, लिहाजा पीएम मोदी के साथ साथ टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था। 84 साल के रतन टाटा पर उम्र का असर साफ नजर आ रहा था। अनाउंसर की मदद से वो किसी तरह माइक तक आए और कहा कि हिंदी नहीं आती, इसीलिए अंग्रेजी बोलूंगा और जो कहूंगा वो दिल से निकलेगा। The message will be the same. It will be from my heart. उनकी आवाज में थरथराहट थी। उन्होंने असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन को राज्य के इतिहास का बड़ा दिन बताया। पीएम मोदी उनकी बातों को एक तक ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर अंग्रेजी में बोलने के बाद टाटा हिंदी में हाथ तंग होने के बावजूद हिंदी में बोलने लगे। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में क्या कहा सुनिए। असम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहते हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ। आशा हूँ कि जिला में आगे बढ़ेगा और मैं सच हाथ से ट्वीट करता है कि मेरी स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ, इंडिया का फ्लैग और इंडिया का आगे बढ़ता। थैंक यू वेरी मच। टाटा ने जब भाषण खत्म किया तो पीएम मोदी खुद अपनी सीट से खड़े होकर उनका अभिवादन करने आ गए और उनसे हाथ मिलाया। रतन टाटा के हिंदी में दिए इस भाषण की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। ओके जी जनाब, क्या जी जनाब, तो रतन टाटा जी मतलब पहली बात तो
पता नहीं बात नहीं हो पाएगी मुझसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में आने के बाद हम लोग ये भूल जाते हैं कि शायद वापस भी जाना है, और स्पेशली वो जो हमारे हीरोज़ हैं, वो जिन्होंने हमें मतलब इतना कामयाब बनाया है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, रतन टाटा की बात कर रही हूँ, कि अभी मैंने जिस तरीके से उनकी जो सिचुएशन देखी है, हमने अक्सर वीडियोस में उनको बड़ा मतलब फिट देखा है, बड़ा यंग देखा है, या बड़ा ऐसा समझ लें कि बड़ा चाकू चौबंद देखा है, ऐसा लगता नहीं था कि वो इस तरीके की कंडीशन में होंगे। कि बोल भी रहे थे तो आपने देखा उनकी वॉइस ऐसे भरभरा रही थी, और कुछ बात कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ वर्ड्स मुझे लग रहा था आधे आधे रुक जा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, अदा नहीं कर पा रहे थे। तो लग रहा है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एज भी काफ़ी है। हम जो वीडियोस में देखते आए हैं उनको तो काफ़ी यंग देखते आए, तो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन अभी बताया गया 84 के 74 ईयर्स के हो चुके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग इतना कुछ करते हैं, सिर्फ मैं चलिए सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं एक कॉमन बात कर लेती हूँ कि लोग जो आपको कामयाब बनाने के लिए इतना कुछ करें, इतना योगदान दें, इतना मतलब तालीम के शोबे में देखें तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए, बीमारियों के इलाज के लिए वो कोशिश रहते हैं, गरीबों की वो मदद करते हैं, डोनेशन वो देते हैं, मुल्क की तरक्की में वो हाजिर हाजिर रहते हैं। एयर इंडिया का हमने सुना था कि बिल्कुल डूब रहा था, तो उन्होंने इसको ख़रीद लिया, और उसके बाद उन्होंने ही उसके अंदर मतलब अपनी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी, अपना अपनी खिदमत दी, और अब वो उभर रहा है दोबारा उसी खोए हुए स्टेटस को वापस पाने वाला है। तो मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों के बारे में सोचने के, इनको भी जाना है, इनको भी मतलब जब ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनका चूल्हा सिर्फ और सिर्फ इन पर ही निर्भर है, इनके ऊपर ही डिपेंड हैं, जो लोग इतने एम्प्लॉयज़ हैं इनके, इतने बेरोज़गार लोग हैं जिनको सपोर्ट करते हैं, इतने गरीब लोग हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनका चूल्हा कैसे चले। ये सोच के मैं थोड़ा सा मतलब आपको एक बात बताऊँ, मैंने यहाँ तक सोचा जब मैं वीडियो देख रही थी कि मेरी लाइफ किस काम की है। मतलब मैं हूँ तो अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होगा, आपको बहुत दुख होगा, और भी मतलब सिबलिंग्स वगैरह को दुख होगा। तो अल्लाह पाक अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरी लाइफ लेकर उन्हें सेहतियाबी दे दें, उन्हें तंदुरुस्ती दे दें, उनकी लाइफ 100 साल और बढ़ा दें, 200 साल और बढ़ा दें। मतलब उनकी ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को, उनको अपना मतलब अल्लाह ना करे कि उनके उनकी तबीयत को बहुत अच्छा करे, उनकी सेहत को बहुत अच्छा करे, बस मैं दुआएँ देना चाहती हूँ बहुत सारी। असल में वैसे तो ये उनकी कोई बीमारी के हिसाब से वीडियो नहीं थी, लेकिन असल में हम थोड़ा सा बहुत शॉक्ड हो गए। उनकी कंडीशन जिस तरीके से, वो बड़ी मुश्किल से, वो सिर्फ एज का फैक्टर है कि एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन असल में हमें बहुत ज़्यादा एकदम से थोड़ा सा शॉक इसलिए लगा कि जितनी भी हमें डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखी, उसमें माशाल्लाह से जो इनकी पिक्चर लगाई जाती है वीडियोज़ बनाने वालों ने, जिस तरीके से मतलब इनके कुछ फुटेजेस होते भी हैं पुराने वाले, वो दिखाए गए हैं, तो हम तो मतलब ऐसा समझते थे कि ये उस वक्त अभी भी इस कंडीशन में होंगे, चाकू चौबंद होंगे, लेकिन एकदम से आज हमने पहली मरतबा इनको इस एज में देखा, हमें नहीं पता था एज का तो चले मुझे आइडिया था, लेकिन मुझे लगा बहुत वीक लग रहे थे। मतलब वो जितनी कमज़ोरी के साथ चल रहे थे और बात कर रहे थे ना, मुझे लगता था कि बड़े फिट हैं अभी, बड़े एक्टिव हैं अभी, तो 100-200 साल निकाल लेंगे आराम से, तो मुझे ऐसा लगता था। असल में वही वाली बात है कि हमने जब अचानक देखा ना कि एक वीकनेस, एक उम्र का तकाजा, तो एकदम से हम मतलब हैरान थे, और थोड़ा सा एक डर लग गया कि ये मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बाकी अल्लाह पाक इन्हें बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे, इन्होंने बहुत कुछ कर किया है, बहुत कुछ इन्होंने करना है, और मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं इनके साथ होंगी, इनकी सेहत के लिए दुआ करते होंगे लोग जिनके घर वाकई इनसे चलते हैं। ये वो शख्सियत हैं, मेरे जितना भी हल्का अहबाब है, मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, ये इनके बारे में तो इंडियंस कहते हैं कि ये हमारा प्राउड है, हमारे हीरो हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हमारे ही एरिया के हैं, हमारे खित्ते के हैं, तो हमारा भी प्राउड है। दूसरी बात ये है कि मैंने जितने भी लोगों को बताया ना डोनेशन के हवाले से, 66% कोई कितना देता होगा, कोई कितना देता होगा, तो मैं बड़ा फ़ख्र से जब मैं उन्हें बताता हूँ तो वो शौक हो जाते हैं। जितने भी पाकिस्तानियों को, जितने भी दोस्तों को, फिर टाटा के हवाले से, उनकी कंपनीज़ के हवाले से बताता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं। मतलब इनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इस आज भी जो कार्यक्रम था वो कैंसर्स के हवाले से था, वो कह रहे थे कि आसाम एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है, एक गरीबों का राज्य होगा, एक एग्रीकल्चर और इस तरह से टूरिज़म के हवाले से इस तरह की इलाका है, तो एक बहुत डेवलप्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फैक्ट्रीज़ का।
तो कह रहे हैं कि इस छोटे से राज्य में भी कैंसर्स के हवाले से काम हो रहा है, तो ये आसाम वालों को फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, और दुनिया को वो बता सकते हैं फ़ख्र से। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत को ऐसे लोगों को रहती दुनिया तक छोड़ देना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको हमेशा यंग, अच्छा, फिट फाट, एक्टिव रहना चाहिए, ऐसे लोगों को जो दुनिया को इतना कुछ देते हैं। आपको पता है, हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें शायद ही कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा दुनिया का जो टाटा की चीज़ यूज़ ना करता हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से इनकी कोई ना कोई चीज़ को यूज़ करता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ से लिंक रखते हैं, कनेक्टेड हैं और इनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है। तो मैं हैरान हूँ कि मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत को ऐसे हीरोज़ को जो अपने मुल्क के लिए, जो मुल्क के बाहर भी लोगों को इतना कुछ देते हैं, इतना योगदान देते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही थी, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने इनसे ये कहा कि वो तो बिल्कुल इतने वीक लग रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, उन पे तो अल्लाह की रहमत है, वो तो 66% डोनेट करते हैं, तो वो तो देखना 100 साल 200 साल और जी लेंगे, तुम टेंशन ना लो। तो मतलब मुझे सबसे पहली टेंशन यही हुई कि बस अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सेहतियाबी दीजिए, दें, तंदुरुस्ती दें। एक छोटी सी वीडियो है अपना, मतलब ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इंसान ने आना है तो जाना है, जाना भी है। एक वीडियो है, वो इत्तफाक से पता नहीं क्यों बार बार वो कई मरतबा मेरे पास आई रील में, मतलब बार बार आपने भी शायद देखी होगी। वो वीडियो एक ऐसे शख्स की है जिससे उस वीडियो की तवक्को भी नहीं की जा सकती, बहुत ही इंडिया की फेमस पर्सनैलिटी हैं वो। उन्होंने एक ऐसा किसी स्टेज पर ऐसी बात कर रहे थे, वो बात उनके मुँह से तो बहुत ही अजीब हैरत की बात है, लेकिन बड़े से बड़े मौलाना हो, बड़े से बड़े आलिम दीन हो, उनके मुंह से मुझे वो बात इतनी अट्रैक्ट नहीं कही जितनी शिद्दत से उन्होंने कही। आपको शायद बहुत वायरल क्लिप चल रहा है वो काफ़ी दिनों से, मेरे पास 5-6 मरतबा आ चुका खुद ब खुद से। शायद आपने देखा हो जॉनी लीवर का एक क्लिप चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितना एजुकेटेड हो, आप कितने बड़े आदमी हो, आप कुछ भी हो। बोला कुछ भी काम नहीं आएगा, जब आपका आखिरी वक्त होता है तो आपसे कोई पूछता है क्या हुआ तो आप यूँ करते हो। सही। फिर कोई पूछता है क्या हुआ, कैसे हो, बोला शब्द। अच्छा, जब वो कह रहे हैं ना शब्द नहीं आपके पास होते, आप बड़ा किताबें लिखते हो, आप बड़ी किताबें पढ़ते हो, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा महान आदमी हो, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़हीन आदमी हो, आप सब कुछ हो, वो उस वक्त आपका मुंह नहीं हिल रहा होता, लाचार होते हो। आपसे कोई पूछता है आप यूँ करते हो। हाँ, सही। तो बोला उस वक्त आपने कनेक्शन नहीं बनाया, आपने ज़िंदगी में अपना कनेक्शन ऊपर वाले से नहीं बनाया, तो आपकी कनेक्टिविटी हो नहीं रही होती, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते। बोला ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप अपने ऊपर वाले से कनेक्शन बना लें। और कनेक्शन कैसे बनता है, कनेक्शन बनता है दूसरों के दिलों से, जो दूसरों के दिलों से दुआ निकलती है। जॉनी लीवर सर, जॉनी लीवर यार, उन्होंने किस एक्सप्रेशन के साथ वो बात की, किस शिद्दत से वो बात की, मैं ऐसे लगी वहाँ पे। अब मैं कहता हूँ बहुत हैरान कौन, वो छोटा सा क्लिप है, पूरी उनकी स्पीच होगी लेकिन वो छोटा सा क्लिप बहुत वायरल हुआ। अच्छा, इसमें भी देखने को मिला हमें इस वीडियो में कि मोदी जी ने उनको आगे से सम्मान दिया, हाथ मिलाया, फिर उनको वो बैठे हैं, तो मुझे सब में सबसे ज़्यादा सीनियर वही लग रहे थे, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसिबल, सबसे ज़्यादा सीनियर, हती कि मुझे मोदी जी भी यंग लग रहे थे काफ़ी। हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगी कि वहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि एक ऐसी बीमारी जो पहली बात तो लाइलाज थी और अब इलाज आया, उसका ट्रीटमेंट आया, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, यहाँ पे भी कैंसर का के हॉस्पिटल के हवाले से बहुत धूमधाम हुई थी, जो शौकत खानम बना था, ये डोनेशन पे बना था, इमरान खान ने बनाया था, तो यहाँ पे भी इस चीज़ को लेकर बहुत हुआ था, लेकिन खैर इलाज तो वहाँ पे फ्री नहीं होता, वहाँ पे तो पैसे ही लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का भी एक अलग सिस्टम है। लेकिन अब वो बहस का मुद्दा नहीं है। सही। लेकिन मैं कहता हूँ टाटा के हवाले से तो जितनी बातें करें हमारे दिल में इतनी भरी पड़ी हैं, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, तो ये है कि जितनी इनकी तारीफ करें हमारा दिल और खुश होता है, जितना इनके बारे में बोलें हमसे रहा नहीं जाता, हम बस नहीं कर पाते। तो ये है कि बहुत बहुत अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इनकी दे। और इनके कार्यक्रम को, इनके आने वाली जो नस्लें हैं या इनके आने वाले जो इन्होंने इनके एम्प्लाइज़ हैं या जो इनके तैयार करदा लोग हैं, उस कारवान को मज़ीद वो आगे बढ़ाएँ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।